व्हाट्स अप गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम लोग घूमने फिरने आ गए हैं। सो घूमने फिरने कहाँ आए हैं, जगह का नाम बता देते हैं। जगह का नाम है अल्बर्टिका पार्क। 2017 में मैं लास्ट ये पार्क में आई थी। उस टाइम ये पार्क का नज़रिया कुछ और ही था, दोस्तों के साथ आई थी। एंड अभी इस पार्क का सिचुएशन एंड अंदर का व्यू कुछ और ही है। एंड इतना खूबसूरत बना दिया इस पार्क का, रातों रात इसको चमका दिया पूरा ए टू जेड। सो ए टू जेड पार्क के बारे में सारा डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो अभी मैं अंदर आ चुकी हूँ। सो शुरू से गेट से आप लोग देखो, गेट से आते हुए का व्यू। अभी मेरे दोस्तों आने वाले हैं थोड़ी देर में, एंड बाकी बातें मैं धीरे धीरे करके आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी। सो गाइस, ये एकदम पार्क के फ्रंट वाला पोर्शन है। तो पार्क का नाम इधर बड़ा बड़ा करके लिखा हुआ है, अल्बर्ट इक्का वार मेमोरियल पार्क। सो इसका सामने का डेकोरेशन काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। एंड अभी उधर हम लोग टिकट काट रहे हैं। डेकोरेशन आप लोग को पता चल गया होगा, लीचू बागान क्रॉस करके ही ये वाला रोड के ठीक अपोजिट में ये बड़ा वाला पार्क है। ये सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहता है। एंड ऑल्सो मॉर्निंग वॉक के लिए भी आप लोग आ सकते हो, और ट्यूजडे को ये बंद रहता है। सो लेट्स गेट इन एंड देखते हैं ये पार्क का व्यू कैसा है। सो इसके बारे में सारा डिटेल्स इधर लिखा हुआ है। एंड इसमें मैं आई थी 2017 में लास्ट। ये इधर का जो भी थीम इन लोगों ने बनाया है ना, ये बहुत आई कैची है। सबसे पहले घुसते ही ये वाला जगह पे आप लोग का नज़र जाएगा। एंड सच बताओ तो मुझे बहुत खूबसूरत लगा ये जगह। ये देख, हर एक का व्यू काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, बारीकी से लिखा भी हुआ है सब कुछ। ये देखो कितना बारीकी से बनाया हुआ है, लाइक रियली अप्रिशिएटेबल। आ गए मेरे दोस्त, मेरे अनमोल रतन। ये जगह बहुत खूबसूरत है, ये जय हिंद जो लिखा हुआ है एंड बना हुआ है। मैं 360 व्यू में आप लोग को दिखा रही हूँ। ये जय हिंद हिंदी में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। एंड ऊपर जो छोटो छोटो सा ऐसा घर टाइप का बना हुआ है उधर आप लोग देख रहे हो, ये भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। लाइक ये जगह को रियली ये लोगों ने मतलब इतना खूबसूरत बनाया है, हर एक स्पॉट में ये लोग को अच्छे से मतलब कितना आई कैची बना सकते उतना ही बनाया है। अगरतला में आप लोग जो लोग भी हो, मैं चाहती हूँ कि अगरतला में जितना भी खूबसूरत खूबसूरत जगह है वो आप सब लोग देखो, एंजॉय करो मेरे व्लॉग्स के थ्रू। एंड इफ़ पॉसिबल आके भी एंजॉय करो, वर्चुअली कितना ही देखोगे। सो मेरा व्लॉग्स बनाने का यही मकसद रहता है कि नया नया चीज़ें, नया नया जगह को एक्सप्लोर करके आप लोग को दिखाना। एंड डिटेल्स जितना हो सकता है मैं बताती हूँ मेरे ब्लॉग्स में। एंड इन रेस्पॉन्स में आप लोग से यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ थोड़ा एंगेजमेंट बना के रखो। मैं जैसे कि कोई भी जगह का रिव्यू देती हूँ एक्सप्लोर करने के बाद, सिमिलरली मैं भी यही चाहती हूँ कि आप लोग भी मेरा वीडियोज़ देखें, मेरे को रिव्यू दो कॉमेंट्स के थ्रू। आप लोग भी मुझे कॉमेंट करके बताओ कि मेरा ब्लॉग्स कैसे लगते हैं, या कोई भी चीज़ इम्प्रूव करने लायक हो वो भी बताओ, क्योंकि आप लोग का रेस्पॉन्स भी मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है ग्रो करने के लिए मेरे चैनल को। एक रीज़न है जिसके लिए मैं बोल रही हूँ, रीज़न ये है कि मेरे चैनल पर मैं सोच रही हूँ एक छोटू सा गिव अवे करूँ। 3K का गिव अवे मैं नहीं कर पाई, 2K का भी नहीं की। मैं चाहती हूँ कि आप लोग थोड़ा बहुत कम्युनिकेट करो मेरे साथ, टच में रहो, ताकि इन केस फर्दर मैं गिव अवेज करूँगी तो आप लोग अगर कॉमेंट नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कितना अननोन लोग देखते हो आप लोग मेरा ब्लॉग। तो आप लोग कॉमेंट करो। एंड ऑल्सो गिव अवे बहुत जल्दी करूँगी। सो मैं सामने का व्यू दिखा रही हूँ आप लोग को, अभी थोड़ा वॉक करके दिखा रही थी। ये देखो पीछे का भी ये कुछ कुछ बनाया हुआ है, थीम बहुत खूबसूरत है। फ्लावर्स भी दिखाऊंगी, फ्लावर्स भी बहुत खूबसूरत है। सो सामने एक छोटू सा पार्क टाइप का बना हुआ है, मैं दिखाती हूँ आपको। इधर पता नहीं बैठने का कुछ एरिया है शायद, आई डोंट नो। तो ये जगह आप लोग देखो, ये भी बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है। इधर भी बैठने का अच्छा खासा स्पेस है। सो ए थम्स अप, रियली ऑसम। अब मैं उस सेक्शन में जाके पार्क दिखाऊंगी आप लोग को। मैं आई तो थी पार्क दिखाने, ये देखो मुझे क्या दिख गया। वाओ, मन कर रहा है डंडा तोड़ के ले जाओ। ये सब क्या देखना पड़ रहा है।
ये रहा पार्क और ये गिरने वाला है, ये बच्चों का चीजें तोड़ने वाला है। ये देखो इसने जंबो मैन ने ये तेरा कर दिया पूरा। तू भी बैठ रही है क्या? इरे थक तो ना तो दा तारे दुल दुलाया देख तो। ऐसे शख्स को लेके पार्क में कभी मत आना, बच्चों का चीजें तोड़ दे रहा पूरा। तुम लोग भी तो वही कर रहे हो। नहीं मेरा वेट नहीं ले पाएगा ये। मेरे भाई कैसे भगत हो रही बच्चारा, साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। दामे कम नामे भालो काकुली फर्नीचर। दीपुदेव प्रैक्टिस कर रहा है, अपने बच्चे को लेके आएगा शायद। भी छोटू सा एक सेक्शन है, इसको पता नहीं क्या ही बोलते हैं, बट बच्चे लोग देखो कितना एंजॉय कर रहे हैं। तो आप लोग का अगर बच्चा कच्चा है तो लेके आओ इस पार्क में। आई गेस दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पार्क इन अगरतला, बहुत ह्यूज स्पेस में है। ट्रैकिंग ट्रेल, ये कुछ ट्रैकिंग सिस्टम है, ये क्या है, बाथरूम है क्या? नहीं है तो बंद है, जो भी है। कैसा लग रहा है ट्रैकिंग एरिया? मेरा पैर दर्द हो गया। ये देख ये जो सेक्शन है ये सब सुंदर है। चलते चलते हम लोग थक गए, रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा। इधर से कुछ अच्छा वाला व्यू आ रहा है, आप लोग को दिखाती हूँ। ये देखो नीचे नीचे प्री वेडिंग शूट चल रहा है, देखो उधर से नहीं दिखेगा आप लोग को। ये देखो ऊपर से हम लोग इधर तक आए। नहीं ये सीढ़ियां क्यों खत्म नहीं हो रही है, सीढ़ी ही सीढ़ी है बस। हम लोग खाली स्पेस ढूंढ रहे थे कि कहाँ फोटो अच्छा आए इस छोटे छोटे सा घर के साथ। ये देखो उमा चली गई, रुको मैं फोटो खींचती। अच्छा ये देखो सामने आप लोग को एक छोटू सा खाने का दुकान मिल जाएगा, इसमें शायद पेटीज वगैरह है, चिप्स है, आइसक्रीम्स है। हालांकि ये वाला आइसक्रीम उतना कुछ खास नहीं है, जो भी है। तो ये हम लोग पूरा एक्सप्लोर कर चुके हैं ये एरिया, अभी बस फोटोज खींचना बाकी है थोड़ा बहुत। वो जगह पे फोटोज खींचेंगे आप लोग, वो सब इंस्टाग्राम पे देख सकते हो। पारो तुमको फोटो खींचना है तो बीच में जाके खड़ी हो जाओ जल्दी। हम लोग इधर सेट हो रहे हैं, कहाँ सेल्फी खींचना है, कहाँ क्या करना है। तब तक के लिए आप लोग ये वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो कौन सा वाला जगह आप लोग को सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगा। सो ये जगह हम लोग को बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा, तो हम लोग इधर ही फोटो खींचने के लिए आ गए। 298 हम लोग उधर से निकल के फिर मोमो खाने आ गए। ये रहा गुरखा बस्ती का मोमोज का दुकान, फेमस मोमोज का दुकान। सो चलो लेट्स गो इन एंड देखते हैं क्या क्या है इसमें। सो इस दुकान के बगल में और एक दुकान था हैवी ब्रेक मोमो, वो दुकान काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो आप लोग चाहे तो उधर भी जा सकते हो। उसमें क्योंकि भीड़ था तो इसलिए हम लोग इस दुकान में आ गए। तो इधर से हम लोगों ने ऑर्डर किया है चिकन सूप, चिकन भरता रोटी एंड सेजवान मोमो। सेजवान मोमोज इतना ज़्यादा तीखा थे, मतलब मैं क्या बोलूँ, इतना मतलब नाक कान से पूरा धुआं निकल गया। एंड चिकन भरता भी बहुत हार्ड था, तो इसका रिव्यू ऑलरेडी मेरे शॉर्ट्स में दिया हुआ, आप लोग चाहे तो वो देख सकते हो। इसके बाद हम लोग निकल के एन्जॉय करते करते सिटी सेंटर पहुँच गए थे, तो उधर हम लोग अपने से मिलके फिर सबके अपने अपने घर चले आए। सो दैट इज़ फॉर द डे। तो आप लोग को कैसा लगा बताना, डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।